बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज का एक तरफ का ढांचा ढह गया। गनीमत रही कि यहां लोग काम नहीं कर रहे थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में 110 मीटर स्पान का सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है। अब ब्रिज का ऊपरी फ्रेम तैयार किया जा रहा है। गुरुवार की शाम पुल का रुद्रप्रयाग की तरफ वाला टावर ढह गया, जिससे फ्रेम भी ध्वस्त हो गया। एक ब्रिज जो है आपका, ये इसका रिएक्शन टावर कोलैप्स हो गया, तो इस संबंध में देखिए, आप देखेंगे कि अभी आप जो इसका फाउंडेशन है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन रिएक्शन टावर आपका कोलैप्स हुआ है। तो अब टेक्निकल कमेटी बैठेगी इस पर, आपका जैसा मुझे एग्जेंट साहब ने बताया, तो टेक्निकल कमेटी पूरे स्ट्रक्चर का एक बार आपका टेक्निकल इंस्पेक्शन करेगी कि क्या खामियां रही, क्या तकनीकी खामियां क्या रही, उसके बाद आपका जो है कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाए। अभी तो कारणों का पता तो नहीं चल पा रहा है, तो ये 4:15 की घटना है और जिसमें कि कम से कम 40 लेबर काम करते थे और जो भी किसी भी प्रकार की मतलब कैजुअलिटी या किसी प्रकार की किसी को भी कोई भी चोट वगैरह नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं और पुल का जो एक हिस्सा था वही ढहा है। ये जिस तरीके से इनका निर्माण कार्य करने की विधि है वो लापरवाही ज़्यादा है इसमें, और जो इनका निर्माण कार्य किया जा रहा है NHAI के अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ जो ये पुल बन रहा है इसके ठीक नीचे शिवालय है, यहाँ शिवालय में भी विगत 3 वर्षों से बड़ी गंदगी कर रखी है। अल्मोड़ा रोडवेज वर्कशॉप में एक बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित रोडवेज बस ने वर्कशॉप में खड़ी कई बसों को टक्कर मार दी। इस दौरान वहां बसों की सफाई कर रहे एक कर्मचारी की 2 बसों के बीच चपेट में आने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे के बाद रोडवेज विभाग में हड़कंप सा मच गया। पुलिस ने बताया कि रोडवेज बस के ब्रेक फेल होने के चलते हादसा हुआ है। घटना के बाद रोडवेज बस का चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गंगोत्री गौमुख मार्ग पर नाले में पानी बढ़ने और 3 पुलियाओं का निर्माण पूरा नहीं हो पाने से इस बार कांवड़िए गौमुख से जल नहीं भर पाएंगे। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से गौमुख जाने वाले रास्तों में कई जगह पर स्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जिला प्रशासन ने गौमुख जाने पर रोक लगा दी है। ऐसे में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु गंगोत्री धाम से ही जल भरकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा बिल्कुल, उसकी हमने एक मीटिंग भी कर ली है, पूरी तैयारी है हमारी। और गंगोत्री और गौमुख के बीच में थोड़ा सा काफ़ी उधर स्नो मेल्ट हुआ था और काफ़ी बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी। हमारी जो 3 जो आपकी वन विभाग की पुलियां हैं वो उसमें बह गई थी और हमारी जो रिप्लेस करने के लिए पुलिया हमारी बन चुकी हैं और लेबर भी हमारे तैयार है, पुलिया भी हमारे तैयार है। भारी हिमखंड पिघलने से व भारी बरसात होने के कारण चेड़ बासा और भुजगढ़ी में जो हमारी पुलिया थी वो बह गई थी। वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मलबा व पत्थर इकट्ठा हुआ है, जिस कारण से हम पुलिया का निर्माण नहीं कर पाए। साथ ही साथ चेड़ बासा और भुजगढ़ी नाले में भारी पानी था, जो कि हम पिछले दिनों से लगातार निगरानी कर रहे थे। जैसे ही पानी कम होगा हमने वहाँ पे पुलिया का मरम्मत कार्य। उत्तराखंड में गुम हुए मोबाइल फोन को ढूंढने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। रोशनाबाद पुलिस मुख्यालय में SSP परमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि हरिद्वार में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, इस बीच श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन अक्सर गुम हो जाते हैं। जिले भर के विभिन्न थानों व कोतवालियों में मोबाइल गुम होने के संबंधित प्रार्थना पत्रों के आधार पर साइबर क्राइम सेल द्वारा ढूंढे गए मोबाइल फोन को वास्तविक मालिकों को वापस लौटा दिया गया है। पिछले वर्ष करीब 1672 मोबाइल मिसिंग थे, जिनको ढूंढकर मोबाइल मालिकों को संभलाया गया है। इसी क्रम में उनके द्वारा 415 मोबाइल पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। करीब 3.5 करोड़ से ऊपर के मोबाइल रिकवर किए गए। हरिद्वार में ऑपरेशन मिसिंग मोबाइल की जो हमारी टीम है उसने लगातार गुड वर्क किए हैं। पिछले एक साल में हरिद्वार पुलिस ने करीब 1672 मोबाइल फोन रिकवर करके दिए हैं, जिनकी कीमत करीब 3.5 करोड़ से ऊपर है। इस संबंध में आज करीब 415 मोबाइल पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं, जो लोग जिनके मोबाइल मिसिंग हुए थे या स्नैचिंग हुए थे या अलग अलग उससे इनसे खो गए थे, उनको पुलिस के द्वारा रिकवर करके आज दिया गया सभी लोगों को। ऋषिकेश
विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत होने की देखते हुए राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में बद्रीनाथ के नवनिर्वाचित विधायक लखपत बुटोला और मंगलौर के नवनिर्वाचित विधायक काजी निजामुद्दीन का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने दोनों विधायकों का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की। तो वहीं इस बीच बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेताओं ने नैतिकता की और बद्रीनाथ के स्वाभिमान की जो लड़ाई लड़ी उसमें हम विजयी हुए। साथ ही उन्होंने राजेंद्र भंडारी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजेंद्र भंडारी ने अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान को ललकारा है और हमने अपने अभिमान के लिए ये जनादेश दिया है। स्वच्छता की जीत है, नैतिकता की जीत है, बद्रीनाथ की जनता की जीत है और उत्तराखंड की जनता की जीत है। जिस तरह से कांग्रेस के तमाम चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे गणेश गुरियाल जी, चाहे हरीश रावत जी, चाहे प्रीतम जी हों, चाहे यशपाल आर्य जी हों और तमाम स्थानीय हमारे जो नेता हैं उन तमाम लोगों ने मिल करके और संगठन के जो चाहे हमारा जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे हमारा नगर अध्यक्ष हो और चाहे बूथ कमेटियों के जो लोग हैं संगठित होकर के और बद्रीनाथ के स्वाभिमान और नैतिकता के लिए जो लड़ाई लड़ी उसमें हम विजयी हुए। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका था कि बद्रीनाथ के विधायक जी ने केवल बद्रीनाथ से विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया, बद्रीनाथ की जनता की नैतिकता को भी ललकारा है, उनके स्वाभिमान को ललकारा है कि बद्रीनाथ की जनता की नैतिकता, स्वाभिमान और उनके मान सम्मान की लड़ाई थी और मैं तो निमित्त मात्र था। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि हल्द्वानी, नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में देर रात मूसलाधार बारिश हुई। कुमाऊं के सभी जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने सभी डीएम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने नालों और रपटों पर पुलिस को तैनात करने को भी कहा है जिससे लोग उफान के दौरान नाल और रपट पार ना करें। कुमाऊं कमिश्नर ने लोगों से भी भारी बारिश के दौरान पानी से दूर रहने की अपील की है। जोन से हमें पता होते हैं वो ठीक से उनमें कॉशन साइनेज हो, दूर से ही पता चले कौन है। स्लाइड प्रोन एरियाज में जब बारिश हो रही है तो उनको रोक दिया जाए, वहाँ पे पुलिस तैनात रहे, बैरियर्स लग जाएं। सिमिलरली जो गदेरे उफान पे आते हैं, नाले उफान पे आते हैं, वहाँ पे लोग बह जाते हैं, उसमें भी मेरी ओर से ऑर्डर्स हैं सभी डी एम्स एसएसपीज को कि इनको फिजिकल बैरियर लगा के इनको रोक दिया जाए। किसी नाले के आसपास कोई बहने की संभावना है तो रेलिंग्स भी लगा दी जाएँ। इसके अतिरिक्त जहाँ डैमेज हो गया है जो रोड्स हमारी तत्काल खुलें, स्टेट हाईवे जो तत्काल खुलें, कहीं ब्रिजेस का डैमेज है वो जल्दी हो और पेड़ों की लॉपिंग जो डेंजरस हो गए हैं इनको लगातार कराया जाए।